हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी डिशेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं पेटीज की रेसिपी, जिसको हम पफ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी को खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल बात है इसको बनाएं कैसे। इतनी ज़्यादा लेयर वाली रेसिपी, इतनी ज़्यादा लेयर वाली पेटीज हम कैसे बनाएं? तो बस इसी को सिंपल रेसिपी बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ये पेटीज की रेसिपी लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल तो नहीं है, थोड़ी सी टफ है, बट हाँ सिंपल बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेटीज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, पेटीज बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, और साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच दही लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। तो बस अब हम इसको करते हैं मिक्स, और हमें इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना है अच्छे से। ये जो हमारा दही है, ऑयल है, इसको हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्स करते हुए कुछ इस तरीके का टेक्सचर इसका आना चाहिए। जब भी हम हाथ में मैदे को लें और मुट्ठी बांधें, तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो बस हमें इसको करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसका बनाएंगे डो। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा पानी। तो हमें इसका ऐसा ही डो बनाना है जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए डो बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हमें इस मैदे का एक अच्छा सा डो बनाना है। डो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम साइज़ का हमें डो बना करके रेडी करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डो है वो बन करके एकदम रेडी हो चुका है, और अब हम इसको रख देंगे जब तक हम हमारी ये जो पेटीज है उसकी स्टफिंग को रेडी करेंगे। तो मिनिमम इसको हम 30 मिनट तक के रख करके छोड़ देंगे। तो अभी हम आ जाते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है पैन, जिसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम होने देंगे थोड़ा सा गर्म, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। इसके बबाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, और साथ ही मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियों को इस तरीके से कट करके रखा हुआ था। 1 इंच अदरक लिया था मैंने, जिसको मैंने उसको भी कट कर लिया था। और अब हम इन सबको फ्राई करेंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 2 बॉईल किए हुए आलू। तो आलुओं को कर लिया है मैंने मैश, और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आलुओं को हमें कर लेना है अच्छे से मैश। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी आमचूर का पाउडर। और बस अब हम इन मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट करके रखा था, इसको भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम खाते हैं तो कम ही डालें। और इसमें पहले से भी चाट मसाले में भी नमक होता है, तो मैंने नमक कम ही यूज़ किया है। और बस अब हम स्टफिंग में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये जो हमारी स्टफिंग है ये हो गई हमारी एकदम रेडी। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच घी। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट का घी भी यूज़ कर सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं। तो बस अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा बैटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा बैटर बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें एक बैटर बनाना है। तो बस बैटर हमारा बन करके रेडी है। तो अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और ये काफ़ी फूला फूला भी हो चुका है, मैदा जो है हमारी फूल चुकी है। तो बस अब हम डो के बनाएंगे पेड़े। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मैदे का आटा, जिसकी बनाएंगे हम पूड़ी। तो पूड़ी बनाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लेती हूँ, ताकि जो हमारी पूड़ी है मैदे की, ये चिपके ना। और अब हम इसको करते हैं बेलना स्टार्ट।
तो फ्रेंड्स आपको याद रहे कि ये जो हमारी पूड़ी है इसको हमें गोल नहीं बेलना, इसको हमें थोड़ा सा ओवल शेप में बेलना है, यानी जो अंडे का आकार होता है उस तरीके से हमें हमारी पूड़ी को बेलना है, लंबा लंबा। बेलते टाइम आप हमेशा याद रखें, चाहे आप पूड़ी बेलें चाहे आप चपाती बेलें, ये जो हमारी साइड की लेयर होती है ना इस पर हमें बेलन ज़्यादा चलाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, ये जो हमारी पूड़ी होती है वो बीच में बेलन चलाने से उसकी जो लेयर है वो पतली हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती है। तो बस इसको साइड से इस तरीके से बेलन को चलाते हुए हम अपनी ये जो पूड़ी है उसको ओवल शेप में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये जो पूड़ी है वो बन करके एकदम रेडी हो चुकी है, और अब हमने जो स्मूथ बैटर बनाया था कॉर्नफ्लोर का उसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो हमें पूरी ये जो पूड़ी है उस पर अच्छे से हमें कॉर्नफ्लोर लगा देना है, इससे क्या होगा कि हमारी ये जो पेटीज है ये बहुत ही अच्छी लेयर वाली बनेगी। आप चाहें तो सिर्फ घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर से थोड़ी अच्छी लेयर्स बन जाती हैं। तो बस इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे से हमें इसको करना है फोल्ड, इस तरीके से कंटिन्यू हम इसको फोल्ड करते जाना है। तो फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके का शेप आएगा, और अब हम इसको भी बेलेंगे। याद रहे हमें इसको लंबा लंबा बेलना है, आप चाहें तो इसको हल्का सा चौड़ा कर सकते हैं इस तरीके से बीच में बेलन मार करके, बट हमें ज़्यादातर इसको लंबा ही करना है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर भी बैटर का यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी हम अच्छे से बैटर को लगाएंगे, और बैटर लगाने के बाद अब हम इसको भी नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसको फोल्ड करने के बाद हम इस तरह का एक पेड़ा बना लेंगे आटे का। इसी तरीके से मैदे के आटे के हम इस तरीके से पेड़े बना लेंगे लच्छेदार। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक पेड़ा और इसको हम बीच में से कर लेंगे कट, हाफ हाफ कर लेना है हमें। तो बस अब हम इसको पूड़ी की तरह एक पेड़ा बनाएंगे, और अब हम इसको बेलेंगे। बेलने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी आटा ताकि जो हमारी पूड़ी है ये चिपके ना, और बस अब हम इसको कंटिन्यू बेलते जाएंगे। बेलते समय आपको याद रहे कि जो पूड़ी की लेयर है वो ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, और इस तरीके से साइड पे बेलन चलाते हुए हमें पूड़ी को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये जो पूड़ी है काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये बिल करके एकदम रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पूड़ी को हम स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूड़ी को हमने अच्छे से कट किया है एक स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद इसकी ये जो साइड की लेयर है इस पर हम लगाएंगे पानी ताकि जब हम पेटीज को चिपकाएं तो आसानी हो, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच स्टफिंग। तो बस अब हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो पानी से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी पेटीज है वो अच्छे से चिपक जाएगी और ये खुलेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें पेटीज की साइड्स को अच्छे से चिपका लेना है। तो बस इसी तरीके से अब हम बनाएंगे दूसरी पेटीज। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा आटा, और अब हम इसको भी बेल लेंगे एक पूड़ी की तरह। तो ये देखिए इसके बाद अब हम इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे। इसके बाद अब हम इसकी साइड की लेयर पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच स्टफिंग। इसके बाद हम पेटीज को अब हम चिपका देंगे अच्छे से, इसकी जो साइड की लेयर है इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें चिपकाना है। दोनों साइड से हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो बस हमारी जो पेटीज है वो बन करके एकदम रेडी हो चुकी है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल जिसको मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें फ्राई करेंगे हमारी पेटीज। तो गैस का जो फ्लेम है आपको इस टाइम रखना है मीडियम।
अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, ऑयल आपके ऊपर भी आ सकता है, तो स्लोली स्लोली हमें हमारी पेटीज को इसमें ऐड करना है कढ़ाई में। तो ये देख ही सकते हैं जो हमारी पेटीज है इसका कलर चेंज हो रहा है और ये अपने आप ऊपर आ रही है, और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और अब इसकी ये जो लेयर्स हैं वो भी हमें दिखने लगी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और गैस का जो फ्लेम है आपको इस टाइम मीडियम ही रखना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो पेटीज हैं इनको हमें फ्राई करना है थोड़ा सा गोल्डन होने तक, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, और इसकी खूब ढेर सारी लेयर्स दिखने तक। तो बस ये देख ही सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो ये देखिए जो हमारी पेटीज हैं इसकी जो लेयर्स हैं वो कितनी क्लियरली दिख रही हैं, और कितनी ढेर सारी लेयर्स वाली हमारी पेटीज बन करके रेडी हुई है, एकदम मार्केट जैसी पेटीज। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी टफ भी है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं, और ये आप देख ही सकते हैं एकदम मार्केट जैसी पेटीज हमारी लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो बस आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें, आज ही बनाएं, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी कुछ रेसिपीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उनको आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ माय न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।